आप देख रहे हैं ARTV चैनल। कोकटपल्ली के इलाके बालानगर में मौजूद एक फंक्शन हॉल में MLA एम कृष्णा राव ने कोविड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां पर आवाम को वैक्सीन लेने की सहूलत रहेगी। दिलखुश नगर की आवाम ने टीका अंदाजी मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर रविंदर रेड्डी, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद जमील, उमर शरीफ और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन, दिलखुश नगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज दिलखुश नगर में वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, जो हमारे हॉनरेबल MLA साहब माधवराम कृष्णा राव साहब और कॉरपोरेटर रविंद्र अन्ना के आयाम में और उनके सपोर्ट से दिलखुश नगर में यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करा जा रहा है। यहाँ करने की वजह ये थी कि दिलखुश नगर में कई सारे गरीब लोग हैं जो कहीं और जाकर वैक्सीनेशन नहीं ले सकते थे, तो हमारी रिक्वेस्ट पर MLA साहब और कॉरपोरेटर साहब दोनों हमारी बात को अग्री करें और यहाँ पर दिलखुश नगर में ये प्रोग्राम करें। और इस प्रोग्राम से कई सारे लोग दिलखुश नगर से, JPR कॉलोनी से, NTR नगर, आजू बाजू बस्ती से जो भी मास गरीब लोग हैं, उन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें 1000 कम से कम आज वैक्सीनेशन कराने का हम लोग इरादा करें। और घर घर को जाकर हम बता रहे हैं और मस्जिदों में भी हम ऐलान करा रहे हैं कि भाई ये कोविड शील्ड जो है हम आने वाले प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिससे हम बचा जा सकता है कोरोना से, इसलिए हम लोग कर रहे हैं दिलखुश नगर से। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे MLA साहब माधवराम कृष्णा राव साहब को और हमारे कॉरपोरेटर आवला रविंदर रेड्डी साहब को, मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।